हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ध्यानी व्लॉग। और आज हम जो ब्लॉग बनाएंगे वो मधमेश्वर का बनाएंगे, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अभी हम रुके हैं गोंडार, यहाँ जो रांची से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट स्थित है। और अभी हम यहाँ से पैदल जो है 9 या 10 किलोमीटर जो है मधमेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ पे हम अभी नाश्ता करने वाले हैं और मेरे साथ मेरे 9 दोस्त भी हैं। तो आपको मैं एक बार यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ये है गोंडार, आप देख सकते हैं। आपको मैं ले आता हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर आप देख सकते हैं प्रवीण नेगी, यहाँ पे हमारे हिमांशु बहुगुणा, मीटू भाई। आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, मेरे कुछ दोस्त जो है यहाँ पे खाना बना रहे हैं हमारे लिए, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, हमने अभी यहाँ ब्रेकफास्ट किया है और टाइम तो 12 से ऊपर बज चुका है। अब तो लंच होगा हमारा, तो काफी टाइम लग गया। और यहाँ से अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर हमें ऊपर मधमेश्वर मंदिर है चढ़ना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। पहुंच तो नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अब 5-6 घंटे ही बचे हैं, उसके बाद जो है अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरा जो यहाँ है, बीच में जंगल भी है, बाघ भालू वगैरह जंगली जानवर होंगे। जय भोले, जय भोले, जय भोले। चलो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम। मेन चढ़ाई जो है 9 किलोमीटर में है और तो बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, 5 किलोमीटर लास्ट के खड़ी चढ़ाई मिलेगी। भाई का एहसान की वजह से हमने शॉट खाया है, देखिए आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप साथ को। जो यहाँ पे इस जगह का नाम है संगम बंतोली करके होटल करके, यहाँ पे होटल है, आप घूम सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और आशुतोष लॉज, यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था है, उचित व्यवस्था दाम पे स्थित है। और जीपीआईटी के भावी इंजीनियर आगे चलते हैं, कुछ जो सब जीपीआईटी के भावी इंजीनियर है, अलग अलग ब्रांच से यहाँ पर अलग अलग ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं ये सब। और इलेक्ट्रिक के जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हेड है, एचओडी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के, आप देख सकते हैं इनका यहाँ बोल, इनका नाम प्रोफेसर बिजनेसमैन। यहाँ पे हमारा एक साथी, यहाँ पर एक साथी थक चुका है, बीमार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अभी नानू से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मधमेश्वर मंदिर है। अभी हमने यहाँ पे चाय पानी भी है, आप देख सकते हैं। हम जियाल भाई से पूछते हैं, उनका कैसा लगा यहाँ का सफर, बोल दो क्या नहीं आप सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफर हमें बहुत ही थकान पूर्वक था यह सफर। और आगे लोग कह रहे हैं कि चढ़ाई बड़ी खड़ी है, चलो देखते हैं। बड़ी खड़ी मतलब बताइए आप, बड़ी खड़ी मतलब क्या होता है? जो जैसे हमारे यहाँ पर 40 की उन्होंने बताया 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, कॉमन सेंस का यूज बताइए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस कॉमन सेंस की कमी के कारण पता नहीं लग पाता, बाकी रास्ता तो बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ मेंढक भी है जो टर्टर करते हैं। अभी तो बारिश कम है, चल चल क्या कर रहे हो, चल रहे हैं, बारिश शुरू हो रही है। हाँ चलो यार, अगले स्टॉप तक तो चलना ही, चलो अगले स्टॉप तक देख लेते हैं, आ जाओ जल्दी करो है। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, इधर रास्ता दिखाओ कि भयंकर रास्ता कैसे चेंज हो, रास्ता दिखाते हैं। एकदम एलिवेशन बढ़ चुका है और पूरा रास्ता ही ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे से, देखिए पूरा। और काफी एल्टीट्यूड पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ सांस लेने में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है।
ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन मास्क भी लाया अपने साथ। तो देखते हैं टाइम अभी 4:15 और मंदिर हमने एक बजे स्टार्ट किया था चलना, एक बजे हमने कितना कर लिया, एक बजे हमने गोंडार से चलना स्टार्ट किया था और 5 किलोमीटर कवर किया है, 5 किलोमीटर अभी 4 किलोमीटर और, 4 किलोमीटर और है। तो फ्रेंड्स आपको एक बार मैं यहाँ का नजारा दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा मौसम अभी मधमेश्वर में, जो टाइम हुआ है 4:30 हुआ है, आप मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ पे मेरे वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे आप देख सकते हैं। हाँ तुम लोग जवान लड़का हो, क्यों नहीं पूछ लेता हूँ, बिल्कुल पहुँचेंगे। हाँ जरूर, ये तो इनके नखरे हैं फालतू। अंकल जी आप कहाँ से? हम अभी तो रांची से आया है, लेकिन हमारा घर है कलकत्ता, कोलकाता शाम बाजार के आसपास। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो फ्रेंड्स अभी हम खूनचट्टी पहुंचेंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खूनचट्टी, नहीं यहाँ से 3, खूनचट्टी यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 3.5 अब कोई 3 से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। जिस सब आपको घुमरा कर रहे हैं 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, भोले की कृपा है सर, रात के 8 बजे हाँ। और हम अभी बहुत ही अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, तो चढ़ाई में सुरभि कर दिया मैंने, चढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं और जंगल जो है खत्म नहीं हो रहा है, चमक कीजिए वरना तो बहुत, मैं आपको जंगल दिखा पाता लेकिन भाई ध्यानी लाइट है नहीं, अगर आएंगे तो टाइम पे आना, ऐसे टाइम पे मत निकलना, लेट हो जाओ, सुबह ही निकलना है। सही है बाटे, बम बम, हम काफी लेट हो चुके हैं, कुछ चमक रहा है सर, है जुगनू इधर दिखा, जुगनू है जुगनू सर, जुगनू है जुगनू, आप देख सकते हैं अंधेरा काफी हो चुका है और अभी हमें पता भी नहीं है कितने किलोमीटर और चलना है, और जंगल लगातार चले जा रहे साथ दे रहा है हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 10 में से 3 से 4 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनकी हालत बहुत डाउन है अभी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है आपका 6:30 और हम कल रात 7:30 मधमहेश्वर मंदिर पहुंचे थे, उसके बाद हमने खाना पीना खाया और मॉर्निंग में हम करीबन 5 बजे उठ के हम यहाँ से मधमहेश्वर से 1.5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है बुढ़ मधमहेश्वर, यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि चौखंबा, आपको पहाड़ी दिखाता हूँ, एक चौखंबा पहाड़ी है, एक यहाँ पे मंदानी है और एक केदारडोम करके है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी तो यहाँ पे एक नीचे ताल टाइप का है, यहाँ पे तालाब या ताल कुछ भी बोल सकते हैं आपसे, वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन बहुत देखने को अच्छा मिलता है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा, आप देखेंगे देख सकते हैं आप। अभी जो टाइम हुआ है 6:30 हुआ है, तो अभी धूप आई नहीं है, जैसे धूप आती है आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, आप तब यहाँ देख सकते हैं हम सुबह 5 बजे उठ के इस जगह में आए हैं आपको, और यहाँ नीचे बताते हैं पूरा पाला देख सकते हैं आप, पूरा एकदम पाला पड़ा एकदम बर्फ टाइप से बिल्कुल, तो बहुत ठंडा हो रखा है। सुबह 5-6 बजे उठे चल के यहाँ आना, और एकदम हाइट पे है ये, जो 1.5 किलोमीटर जो मधमहेश्वर से है गुड मधमहेश्वर एकदम हाइट पे है, आप देख सकते हैं बाकी दोस्त भी मेरे पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं तालाब के अंदर ये जो है पहाड़ चौखंबा और मंदाकिनी और केदारडोम का व्यू है, देख सकते हैं आप सामने पहाड़ है और नीचे इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बहुत ही प्यारा नजारा है,
बहुत ही प्यारा नजारा। और आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, ये देखिए ये जो है पूरी बर्फ है और ये पानी के अंदर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ। सुबह हमने कुंड में नहाए, उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। टाइम अभी 9:15 हुआ है, 9:30 बजे आरती होनी है। महेश्वर जी का मंदिर है, यहाँ जो है भगवान के शिव के नाभि की पूजा की जाती है। नहीं यहाँ पे, यहाँ चारों तक मना सकते हो, यहाँ मना नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर, मैं आपको यहाँ की परिक्रमा करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे दो साथी वेट करते हुए आरती का। बहुत ही प्यारा मौसम है यहाँ। सुबह बहुत ही ज्यादा ठंड थी, टेम्परेचर था जो -0 में था, बहुत ज्यादा ठंड थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे छोटे मंदिर है यहाँ पे भगवान शिव जी के। और आपको यहाँ पे मैं कुंड दिखाता हूँ, यहाँ जो सुबह हमने स्नान किया था दोस्तों नहीं कर पाए थे, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। अब मैं यहाँ का एक व्यू दिखा देता हूँ, देख सकते आप लोग, बहुत ही प्यारा नजारा है। और ऐसे मंदिर बहुत ही कम है जहाँ आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने हॉस्टल नीलकंठ। भाई बाहर निकल रही है, चलिए दिख रहा है, पहुंच चुके हैं नीलकंठ। पेमेंट करो, पेमेंट पकड़ो, इधर दो। अरे यार कोई और कर लो बात, ध्यानी 50,000 रुपए। हेलो कौन है, पहुंच चुके हैं गाड़ी के बाद गाड़ी नंबर दिखा दो, गाड़ी से नीलकंठ के बाद। चलो नीलकंठ हॉस्टल, नीलकंठ दिखा दे। चलिए चलिए, अब चीन वाले यहाँ से जाएंगे ना, चीन वाले यहाँ से जाएंगे। अभी पता तो चले उल्टा बनाते हुए जी। अरे सर जी, अब जी जी जी।